I request Rekha ji, All India Artists Association, who is associated with us, to please be on the stage. Jai Shri Akka, without you, this festival is not possible. Can we have a round of applause? सिंधु जी और हम एक साथ कॉलेज में पढ़े हैं, वो तभी भी कॉलेज के स्टेज पे नाचती थी, हम कॉलेज के स्टेज के नीचे हम नाचते थे। आज भी वही बरकरार है, हम कुर्सी पे है, वो आज भी स्टेज पे है, तब से जुड़ा हुआ हमारा नाता है। अब ये नई मुंबई वाले की देन है, जो हमें कुर्सी दी है, जब तक कुर्सी है हमारे पास है, ताई बसले आमच्या दोन्ही ताईकडे आलेले आहेत, जोपर्यंत नई मुंबईकरांचं प्रेम आपल्याला आपल्याला काही चिंता करण्याची गरज आहे नाही, आणि जोपर्यंत आम्ही आहोत तुला चिंता करण्याची गरज नाही। आणि आज सगळ्या जमलेल्या आहेत, आणि खरं सांगतो की तुझ्या या कार्यक्रमाचं एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे की तू संस्कृतीची टिकवते। आज बघा सगळे पोरं आमच्या मोबाईलवर याच्याकडे कॉम्प्युटरमध्ये फिट आहेत, पण त्यांना तू घराच्या बाहेर काढून त्या स्टेजवर आणतेस, एक वेगळं काम तू करते, आणि भारतीय संस्कृती जतन करण्याचं काम खूप मोठं काम तू करते। देव तुला अशीच शक्ती देव, आणि तुझ्या कार्यक्रम अतिर आणखी चांगले होत जावं, एवढी शुभेच्छा देऊन देतो आणि सांगतो। सिंधू जी के बारे में क्या कहूँ, आपको मालूम है हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसमें सिंधु नाम है, आपको याद है कि नहीं? सिंधु भारत की जो पहचान सदियों पुरानी जो है, कई सदियों पुरानी, उसमें सिंधु संस्कृति का नाम है, और ये है सिंधु संस्कृति हमारे सामने। हमने बचपन से सिंधु जी को, वो हमारी नेबर रह चुकी है, नेबर ही है, बचपन से देखा है कि कुछ करने की उनमें हुनर हरदम देखी। आज उनकी माता जी की भी एक बार जोरदार तालियां बजा देखिए। के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के तबके तबके के सभी नृत्य और नृत्यों का आविष्कार करने के लिए साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट भारत के पूरे राज्यों के कलाकारों को यहाँ पे एक मंच मिला है, और जिस मंच से सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये नृत्य का आविष्कार यहाँ पे चलते रहेगा। ये इतने कलाकार, बहुत प्रोफेशनल कलाकार यहाँ पे आए, जिन्होंने अपनी कला को यानी नृत्य को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ नई मुंबई भूमि को ये कलाकार आने से सम्मान मिला है, और नई मुंबई भूमि में आने से इन कलाकारों का सम्मान हो वैसा वर्ष। मैं सिंधु नायर के माध्यम से चलने वाला एक घुंघरू फेस्टिवल हर साल बढ़ते बढ़ते जाके आसमान को छू ले, और इस उसके उपक्रम में हमारा नायक परिवार सिंधु के साथ में हमेशा पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, और आज कल भी खड़ा रहेगा, क्योंकि जिस कॉलोनी में मैं रहता था कलश उद्यान, सिंधु आज भी वहाँ रह रही है, और दुनिया के सुख दुख में सहभागी होने का सिंधु का जो नेचर है वो उसको सबका प्यार मिलने के लिए एक माध्यम बनता है।
सिंधु को मेरे और हमारे परिवार की ओर से शुभेच्छा। मैं सब आर्टिस्ट और सब गुरुओं को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पे भरोसा करके वो इतने दूर से आए। इस बार तो आसाम, बैंगलोर, राजस्थान, सूरत, बड़ौदा, पुणे सब जगह से आर्टिस्ट ट्रैवल करके घुंघरू में भाग लेने के लिए आए हैं। वो मेरे सौभाग्य है कि उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास दिखाया और आज इस परफॉर्मेंस में आके परफॉर्म कर रहे हैं। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे हमारे आर्टिस्ट NCPA जाते हैं या कल जाके परफॉर्म करते हैं, पूरे देश भर से आर्टिस्ट हमारे नवी मुंबई में आए और नवी मुंबई नेक्स्ट कल्चरल हब बने। यहाँ पर भी एक कला केंद्र हो जहाँ पर यहाँ पर के आर्टिस्ट को बड़ा मंच आगे मिले। और गणेश नाइक साहब आए थे, उन्होंने ब्लेसिंग दिया, संदीप नाइक जी आए थे, और कैसे किनका सपोर्ट मिलकर इतना ग्रैंड इवेंट हुआ, क्या बताना चाह रहे हैं? सब लोग आए थे, गणेश नाइक जी आए थे, संदीप नाइक जी आए थे, अविनाश लाड सर आए थे, बहुत बहुत बड़े बड़े दिग्गज आके उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी। श्रीमती उमा रेले मैम आई थी नालंदा यूनिवर्सिटी से। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग जब आके हमें ब्लेसिंग देते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। और आप अगर देखोगे तो ये इवेंट में एक भी कॉर्पोरेट स्पॉन्सर नहीं है, ये सब मेरे दोस्तों ने और जो कला प्रेमी हैं उन्होंने हाथ से हाथ बढ़ाकर ये इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। हमने बहुत छोटे पैमाने में ये अर्बन हट में 2020 में स्टार्ट किया था, जहाँ पर 350-400 आर्टिस्ट से स्टार्ट किया था। तभी 25 ग्रुप थे, लास्ट ईयर 50 ग्रुप थे, और ये साल 80 ग्रुप और 1000 के ऊपर आर्टिस्ट, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये घुंघरू जो स्टार्ट हुआ, तो घुंघरू एक लेवल से स्टार्ट हुआ, जो लोग सोचते हैं ना नीचे से ऊपर, लेकिन ये ऊपर से ही स्टार्ट हुआ और ऊपर से और ऊपर, और ये थर्ड सीजन है, एकदम ऊपर आ रहा है। तो ये आज 1000 के ऊपर जो डांसर्स आए हैं, ये सिंधु का एक खुद का इंटरनल जो पावर उसने यूज़ किया है, भगवान के देन से उसके पास एक पावर आया है, और वो पावर को यूटिलाइज़ करते करते है ना वो इस लेवल पे आ रही है। और इसके लिए हमारे जो एसोसिएशन है, जिसके साथ में हमारे ट्रेजरर भी है, वो आपके साथ में अभी और भी बात करेंगे, तो हम ये सब देखने के बाद में हमको लगा कि यार ये हमारी जो एसोसिएशन है, कोरियोग्राफर्स की एसोसिएशन है, और डांसर्स जो ऑल ओवर इंडिया में हैं बहुत सारे, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो वो रीज़न से हमने सिंधु को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। आज नहीं कल कहीं पर चोली दामन का हमारा साथ है डांसर्स और कोरियोग्राफर्स हैं, तो उसी लिए हमने इसको सपोर्ट भी किया और आज काफ़ी अच्छे लेवल पे चीज़ें चल रही। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लायन NR परमेश्वरन, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3231A4। Hats off to Sindhu Nair for this fantastic platform which he has provided to all the artists all over India. ये truly एक national integration है, जहाँ पर right from कश्मीर से कन्याकुमारी और यहाँ बॉम्बे से लेके गुजरात तक, गुजरात से लेके बंगाल तक के सब आर्टिस्ट आए हुए हैं, और ये सभी आर्टिस्टों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लेके आने का काम सिंधु नायर और उनकी टीम ने किया है, तो रियली हैट्स ऑफ टू देम। एंड इस तरह का कार्यक्रम वी आर वेरी वेरी प्राउड दैट ये कार्यक्रम नवी मुंबई में हो रहा है। तो नवी मुंबई नॉट ओनली इंडिया का मैप में बट पूरे वर्ल्ड का मैप में अब इस प्रोग्राम के कारण छा जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले सालों में ये प्रोग्राम हम काफ़ी कंट्रीज जैसे स्पेन और यूरोप में भी लेके जाने का प्रोग्राम है, और उसमें हम उनकी फुल सपोर्ट करेंगे कि हमारा जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स है उसको हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट करें। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रेखा गौड़, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन। जो आप देख सकते हैं पीछे अय्या हमारा जो है वो 1955 में बना था, तब से लेके आज तक हम ड्रामा डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ करते आ रहे हैं पूरे इंडिया में, और फेस्टिवल्स करते हैं। यहाँ पे घुंघरू से मैं इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो आगे बढ़े, और हमारा जो मिशन है नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू आर्ट, वो इसके थ्रू हम आगे ले आ रहे हैं। और सिंधु जी से हम फर्स्ट घुंघरू से जुड़े हुए हैं, और आशा करते हैं कि आगे जुड़े रहेंगे ताकि हम आर्ट और कल्चर को यहाँ प्रमोट करें इंडिया में। अभी मैं सैफ सलीम सारंग, सिंधु नायर प्रेजेंट जो घुंघरू है 3 साल से नवी मुंबई में चल रहा है, और इनका जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है बहुत अच्छा है, मतलब अलग अलग कल्चर के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं टैलेंट यहाँ पे, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा आज। एंड अभी मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, आज मेरे पिताजी जो सलीम सारंग साहब है वो बारामती में एक
ये जा रही है, करावरी जा रही है, तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, सेवा दे रहे हैं उनको। तो मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लगा कि यूनिटी है, यूनिटी से ही आगे हम बढ़ेंगे। तो मुझे बस ये कहना चाहता हूँ, सिंधु नायर जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट एंड बेस्ट विशेस करना चाहता हूँ फ्यूचर के लिए, एंड ये सक्सेसफुल हो। वैसे टैलेंट हमें रिप्रेजेंट करने को दिख रहा है, मुझे आज देखा मैंने अलग अलग स्टेट के जो टैलेंट है वो रिप्रेजेंट किया सिंधु नायर जी ने, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब यूनिटी दिख रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिटी से ही चलेगी, धन के लोगों से नहीं चलेगी। जो है सिंधु मैडम के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, उमा आहूजा स्माइल्स फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो घुंघरू को सपोर्ट करती रही हैं, सिंधु को हमेशा सपोर्ट करती रही हैं, और हम सब की तरफ से इनको शुभकामनाएं अभी के लिए और आगे के लिए भी। थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सिंधु मैडम को सबसे पहले मैं सिंधु मैडम क्या बोलूँ, सिंधु मेरी बहन जैसे ही है, तो उसको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि जो ये प्रोग्राम इन्होंने घुंघरू का रखा है जो हर साल करती हैं, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इनके जो प्रोग्राम्स में ना क्लासिकल होता है, जो कि ये बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज पहली बार सिंधु जी ने मेरे हस्बैंड को बोला है आना पड़ेगा विशाल जी आपको, तो वो आए हैं, बैठे हैं, वो उठ ही नहीं रहे हैं, वो इतने मगन हो गए प्रोग्राम देखने में। मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम है, और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं बताइए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा प्रोग्राम हमारे, वैसे इंडिया में तो होता है कई जगह, लेकिन वाशी में पहली बार है। तो सिंधु नायर हमेशा अच्छे ही काम करती हैं, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मेरा नाम अनूप थारवानी है, हम विश्व सिंधी सेवा संगम और लायंस क्लब इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने काफ़ी सपोर्ट दिया है सिंधु नायर जी को, कि ये कल्चरल प्रोग्राम जो होता है जो इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है, और हमें ये कल्चरल जो इंडिया का कल्चर है वो दिखाने का यही एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को अपने को इंकरेज करना चाहिए, और ऐसे कल्चरल प्रोग्राम जो इंडिया की संस्कृति है वो हमें दिखाना चाहिए लोगों को, स्पेशली न्यू जनरेशन को, जो वो लोग इस संस्कृति को कायम रखे और आगे इंडिया को आगे लेके जावे। इंडिया का कल्चर जो था वो रियली संस्कृत था, और वो संस्कृति से हम अपने इंडिया छोटे बच्चे के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को दिखा सकते हैं कि वो आज भी हमारे पास संस्कृति वो कायम है। हम विश्व सिंधी सेवा संगम की तरफ से भी वही इंकरेज कर रहे हैं, हम स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं उनके अंदर भी, और फोक सॉन्ग्स का भी एक बंदोबस्त करके दिया है काफ़ी इंस्टीट्यूट से, जो कि अपनी संस्कृति दिखाने के लिए पूरे पूरे तैयार है। Thank you all for having us. This stage is now really special to all of us as well. So thank you for having us back very soon. Just like us representing our countries, it's so beautiful to see how much pride you have in yours. So I appreciate it and thank you, and we'll continue to enjoy your beautiful country. Thank you.